वैसे तो दिवाली का त्योहार हर वर्ग के लोगों के लिए खास होता है, फिर चाहे छोटे बच्चे हो या नौजवान, हर किसी के मन में एक अलग ही प्रकार का उत्साह और उमंग होती है, क्योंकि दिवाली का पर्व ही खुशियों का पर्व होता है। लेकिन इस साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यह त्योहार फीका नजर आ रहा है। आज धार के पुलिस कंट्रोल रूम पर अपर कलेक्टर ने धार के समस्त पटाखे व्यापारियों की एक मीटिंग रखी, जिसमें सभी पटाखा व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित मानक के पटाखों का विक्रय करें, पटाखा दुकानों पर अग्निशमन और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी पटाखे व्यापारियों को कहा गया कि वे इस वर्ष उनके पटाखों की दुकान या तो दशहरा मैदान में या फिर देवजी मंदिर के वहां लगा सकते हैं। इसी से नाराज होकर पटाखे व्यापारियों ने पटाखे की बिक्री करने का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि जो दो स्थान हमें पटाखे बेचने को बताए गए हैं, वे शहर से ज्यादा दूरी पर हैं। इस कारण वहां पर हमारा व्यापार ठीक तरीके से नहीं होगा। अगर हमें उदय रंज मैदान में दुकानों के लिए जगह नहीं मिलती तो हम पटाखा बिक्री नहीं करेंगे। हमारे संयोजक भाई अनिल जी जैन बाबा, हम सिटी मजिस्ट्रेट में हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। पेपर में विज्ञप्ति पहले जो दी गई थी उसके अंदर उदय रंजन क्लब के माध्यम से दी गई थी, जो हमने उस उदय रंजन क्लब के माध्यम से ही हमने पटाखे खरीदी करी है और उसी आधार पर हम पटाखे का व्यवसाय उदय रंजन क्लब में करना चाहते हैं। दूसरा चीज ये है कि प्रशासन हमें एंड टाइम पर कहता है कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, जो कि व्यापारी अपने दिल और दिमाग से अभी अस्वस्थ है, जो इस साल संभव नहीं है और हम इसका पूरा पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और पटाखा एसोसिएशन जितने भी 70-72 लाइसेंस है वो आप दुकान नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। और हमारी प्रशासन ने आपको कौन सी प्लेस दी थी जहाँ पे जगह लगाने के लिए? देवी जी दी है, दशहरा मैदान दिया है, ये दो स्थान बताए जो उपयुक्त नहीं है, जो कि परिवार के लोग अपने बेटों को लेकर इतनी दूर जाने में सक्षम नहीं रहते।